ग्वालियर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी श्योपुर का रहने वाला है और वीडियो वायरल करने के धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया करता था। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। गुरुवार को एक नाबालिग ने अपने परिजन के साथ कंपू थाना पहुंचकर उसके साथ हुए घिनौने कृत्य की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता स्कूली छात्रा है और कंपू थाना प्रभारी दीपक यादव के अनुसार श्योपुर का रहने वाला राहुल वैष्णव वर्ष 2021 से उसके संपर्क में था, जिसकी शिकायत पर आरोपी राहुल वैष्णव के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। कल फरियादी द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन द्वारा बताया गया है कि जो आरोपी है वो लगातार एक साल 2021 से संपर्क में है और उसको मतलब कई बार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ में गलत काम किया है, जिसमें हमने 376 का FIR दर्ज कर ली है पास्को एक्ट के साथ में और आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी श्योपुर का रहने वाला है। क्या करता है? कुछ फैक्ट्री वगैरह में काम करता हूँ।